आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर डे आप लोग नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। आज के टाइम में हर एक यूट्यूब चैनल पे टीवी पे AI आ रहा है, AI ऐसे वर्क को काम को आपके कामों को इस तरीके से आसान बना देगा। पर डे आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पे हर एक काम AI कर रहा है। पर डे आप न्यूज़ चैनल पे देखते हो AI ने ये बनाया, AI पे चाँद पे जाने के लिए चाँद कैसा रहेगा वहाँ पे घर पे AI किसी का फोटो बनाता है, किसी का कुछ बनाता है। बट आप लोगों ने कभी सोचा कि AI हमारे बिजनेस को कैसे चेंज करेगा दोस्तों, कैसे स्मूथ बनाएगा? आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, और ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि जो AI टूल आपका कैसे आपका ऑपरेट करेगा टैली, कैसे आपके कई घंटों की टाइम सेविंग करेगा AI, सारा आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि आपके कई घंटों के जो मैनुअल काम होते हैं वो कुछ मिनटों में चेंज कर देगा, ऐसे टूल के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कि जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आप लोग बैंक स्टेटमेंट, जैसा कि दोस्तों आप लोग अभी तक बैंक स्टेटमेंट जैसे काम करते थे कि PDF का फॉर्मेट लेते थे, एक एक एंट्री चेक करके बैंक स्टेटमेंट चढ़ा रहे हैं, रिसीट पेमेंट, आपका काम कम से कम 6 घंटे 8 घंटे या 2-3 दिन चले जाते हैं जो काम, उस काम को ये AI टूल आपको 5-10 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सुमित। AI टूल ऐसा आया है दोस्तों जो कि आपको कई घंटों के कई हजारों एंट्री कुछ मिनटों में ये आपका अपलोड कर देगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, सारा मैं आपको इस आपको वीडियो में एंड तक देखिए और आपको बहुत मजा आने वाला है किस तरीके से ये टूल आपका ये काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि ये सुमित सॉफ्टवेयर जो AI टूल है कैसे टैली वालों की जिंदगी बदल देगा। तो चलिए हम सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे लिखिए सुमित करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही सुमित की वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली लिंक से इस वेबसाइट पे जा सकते हैं दोस्तों ये सुमित का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप देख रहे हैं इस तरीके से डिस्प्ले आ रहा है यहाँ पे लेट्स स्टेप आउट ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग। बिल्कुल दोस्तों, अभी तक आप लोग जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, एक एक एंट्री देख के PDF पे करते थे, उस सारे काम को ये AI टूल ऑटोमेटिक मोड पे करने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये सुमित जो AI टूल है हमारा, ये एक्सेल, PDF, स्कैन कॉपी तीनों फॉर्मेट में आपका डेटा ये लेगा और आपको टैली में ऑटोमेटिक अपलोड कर देगा। कैसे होगा, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे इसको साइनअप करिए, साइनअप में जाइए। यहाँ पे आपको दोस्तों इस तरीके से आएगा क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पे आप अपना नेम डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया निधीश, यहाँ पे डाल दीजिए सिंह लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड मैंने डाल दिया। आप इस तरीके से यहाँ पासवर्ड आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं जो आपको रखना है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डिफाइन योर बेस्ट, आप क्या हो, टैक्स प्रोफेशनल हो या बिजनेस करते हो? तो दोनों में से जो भी चूज करना है, मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस पे करूंगा। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे इसको कर लीजिए रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आपका सुमित का ये पोर्टल जस्ट ओपन हो गया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए वेलकम टू सुमित करके आ रहा है, टू ब्रिंग योर द जर्नी प्लीज सेलेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे डेमो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टैली आ रहा है, टैली से ये इंटीग्रेटेड है AI टूल दोस्तों। यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा पोर्टल दिख रहा है, यहाँ पे पैनल दिख रहा है, पैनल में देखिए डैशबोर्ड का ऑप्शन है, कंपनी ऑप्शन है, बैंकिंग का ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन मास्टर, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे पैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे टैली कनेक्टर करके ऑप्शन आ रहा है, इस टैली कनेक्टर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते ही दो ऑप्शन आ रहा है, 64-bit एंड 32-bit। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है वो कितने बिट का है, आप उसमें माई कंप्यूटर में जाके चेक कर सकते हो। जितने बिट का भी जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप वहाँ पे इसको कनेक्टर को डाउनलोड कर लीजिए। मेरा ये जैसे 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं इस पर 64-bit पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे ये सेटअप इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड में, जाओगे सेटअप जहां पे डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करोगे,
यहाँ पे सेटअप ये रन कर रहा है। रन करने पे यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे हम इसको। यहाँ पे देखिए सुमित का कनेक्टर ये ओपन हो गया है। यहाँ पे हमें आपका लॉगिन आईडी जो भी आपने पासवर्ड रखा है वो आपको डालना है। जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला 9560488079, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे tally@123, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए माय कंपनी का ऑप्शन आएगा, ऐड कंपनी आएगा, सेटिंग, प्रोफाइल, पासवर्ड। अभी हमारी कोई भी कंपनी ओपन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे आ रहा वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट वाई टैली, क्योंकि टैली अभी मेरी ओपन नहीं है। इसको आपको लॉग इन करने के बाद आपको टैली को भी ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है टैली डिसकनेक्टेड, इंटरनेट ऑन है बट टैली मेरा ओपन नहीं है। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पे ऐड कंपनी पे जाते हैं, बट ऐड कंपनी पे मेरा कोई भी टैली का कोई कंपनी नहीं आ रहा। अब उसके पहले मैं सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टैली ओपन कर लिए, यहाँ पे मैंने कंपनी ओपन कर लेता हूँ। मैं मेरी कंपनी ओपन हो गई, टैली भी ओपन हो गई। अब मैं कनेक्टर पे चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे ही टैली और कंपनी ओपन होने से ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ गया टैली कनेक्टेड, तो मेरा टैली कनेक्टेड हो गया। अब मैं यहाँ पे दोस्तों जाऊँगा ऐड कंपनी, ऐड कंपनी पे मेरा नेम शो होना चाहिए। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही ऐड कंपनी पे किया यहाँ पे मेरी कंपनी आ गई है आन्या टेक्स ऑफ LLP। यहाँ पे देखिए मेरा फोल्डर नंबर ये है। यहाँ पे हमें करना है इसको सब्सक्राइब, सब्सक्राइब पे करेंगे। डू यू वांट टू सब्सक्राइब आन्या टेक्स ऑफ LLP? यस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे, ये मेरी कंपनी सब्सक्राइब हो गई सुविध के सॉफ्टवेयर से। यहाँ पे ये पूछ रहा है डू यू सी द कंपनी वांट टू वर्क एवर लिस्ट? यस कर दीजिए इसको। यस करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों ये सुविध का ब्राउजर पोर्टल है, देखिए बहुत ही शानदार AI टूल ये डिजाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए टैली कनेक्टर लॉगिन, यहाँ पे देख ऑप्शन है टैली कनेक्टेड है या नहीं है ऑप्शन है, और यहाँ पे आपकी टैली कंपनी ओपन है नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। सिस्टम का स्टेटस क्या है आपका वो डिटेल दिखा रहा है। क्या क्या ये टूल जो AI टूल है सुविध का, ये क्या क्या करता है? बैंकिंग करता है, सेल्स एक्सेल, मास्टर आइटम्स, मास्टर लेजर, परचेज, सारी चीज़ों को ये अपलोड करता है PDF फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में एंड स्कैन फॉर्म में, तीनों फॉर्मेट को ये अब्जॉर्ब करता है ये अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इसका पैनल देखते हैं दोस्तों। पैनल में देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के पास आ रहा है माई कंपनी। आपकी माई कंपनी में कितनी कंपनी कनेक्टेड है वो सारी आपको डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि मेरी एक कंपनी आन्या टेक्स ऑफ LLP कनेक्टेड है, ये आपको दिखा रहा है। टैली भी इनेबल है, ये भी आपको स्टेटस देता रहेगा कि स्टेटस ग्रीन कलर में, यहाँ टैली से इंटीग्रेट है, ये इनेबल है, टैली कंपनी ओपन है। यहाँ पे बैंकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे बैंक में जाके आप स्टेटमेंट इसका अपलोड कर सकते हो आपकी कंपनी में जाके किस तरीके से, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ ट्रांजेक्शन में दे रहा है, सेल एक्सेल इमेज इनवाइस तीनों फॉर्मेट में करता है, परचेज एक्सेल इमेज इनवाइस तीनों फॉर्मेट, सेल रिटर्न तीनों फॉर्मेट ले रहा है, परचेज रिटर्न ले रहा है, जनरल ले रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, मास्टर आपके बल्क में है, लेजर्स आइटम वो अपलोड कर सकते हो, सारा कुछ ये AI टूल सुविध के अंदर आपको सारा गया है। बट आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे अपलोड करके कैसे AI टूल आपके टैली को बहुत ही स्मूथली कई घंटों के काम को कुछ मिनटों में कैसे कन्वर्ट करता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ले आ रहा हूँ बैंकिंग में। बैंकिंग में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, आप सेलेक्ट कंपनी करिए। अगर आपकी मल्टीपल कंपनी ऐड है तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा। जैसे कि मेरा आन्या टेक्स ऑफ LLP क्लिक करते, क्योंकि मेरी ओनली वन कंपनी कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैंने आन्या टेक्स ऑफ LLP को चूज किया। यहाँ पे बैंक आपका अगर जो भी टैली में जितने भी बैंक के लेजर हैं वो सारा आपको शो करेगा यहाँ पे, जैसे DBS बैंक, ICICI बैंक, जो भी है मेरा इनवाइस। यहाँ पे मैंने ICICI बैंक ले लिया। यहाँ ICICI बैंक लेने के बाद यहाँ पे क्या रहा है, यू कैन अपलोड द मल्टीपल फाइल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे फाइल को अटैच। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक अपलोड, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट रखा हुआ है यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर बैंक स्टेटमेंट, इसको क्लिक किया। क्लिक करते ही इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ पे ये मेरा फाइल अटैचमेंट हो गया। यहाँ अटैचमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए नोट्स में ऑप्शन आ रहा है प्लीज डोंट अपलोड पासबुक, शेयर मार्केट स्टेटमेंट एंड लोन स्टेटमेंट। इस तरह की कोई स्टेटमेंट इसमें अपलोड नहीं होगी।
सेकंड क्या दिया है, प्लीज डोंट अपलोड पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कोई भी आपके फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीजें होंगी तो अपलोड नहीं होंगी। यहाँ पे देखिए तीन फॉर्मेट दिया है एक्सेल, अगर आपका मैक्सिमम डेटा जो एक्सेल में है वो मैक्सिमम टाइम जिसमें लग सकता है 30 मिनट्स अप टू, वो मैक्सिमम टाइम, बट इसमें इतना टाइम लगता नहीं है, ये 2 से 3 मिनट या 5 मिनट्स में चीजें हो जाती है। पीडीएफ का लिया है 1 आवर अप टू 1 आवर, स्कैन कॉपी का अप टू 12 आवर, ये मैक्सिमम चीजें हैं बट इतनी टाइम लगते नहीं है। यहाँ करने के बाद यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मेरा अपलोड हो रहा है, यहाँ पे मेरा आ गया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल, यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा ICICI बैंक का शो कर रहा है दोस्तों। और एप्लीकेशन में जैसे ही सिंक करोगे तो सारे लेजर यहाँ शो करने लगेंगे, स्टेटमेंट डेट आ जाएगा कि कौन सी डेट का, कब से डेट का आपका आ रहा है। सबसे बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि मुझे ये दिख जा रहा है स्टेटमेंट किस डेट का है, सिंक डेट दिखा देगा, टोटल ऑप्शन दिखाएगा, पेंडिंग ऑप्शन दिखाएगा, सेव ऑप्शन देगा। अभी ये प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कंप्लीट होगा फिर मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मेरा देखिए यहाँ स्टेटस आ गया कंप्लीटेड अन्या टैक्स ऑफ LLP कंपनी का, ICICI बैंक का क्या आ रहा है स्टेटमेंट डेट, 1 जून से 30 जून का मैंने स्टेटमेंट ले रखा है। यहाँ पे देखिए टोटल एंट्री कितनी 182, पेंडिंग है 182 क्योंकि मैंने अभी टैली में कोई सिंकिंग नहीं किया। यहाँ सेव किया है 000 यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरी एंट्री मेरे को डिस्प्ले हो गई, ये पूरा ऑप्शन आपको स्टेटमेंट अपलोड का यहाँ पे इस तरीके से आपकी कंपनी दिखा रहा है, बैंक दिखा रहा है, और ये बहुत सारे फिल्टर्स दे रखा है AI टूल ने कि जिसकी मदद से आप इसको बहुत ही स्मूथली अपने स्टेटमेंट को टैली से इंटीग्रेट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ पे सारी डेट आ रही है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है जो भी आपके पेमेंट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सेल ट्रांजेक्शन किस टाइप का है, रिसीट पेमेंट जो भी है आपका, अमाउंट क्या है यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, और लेजर किस लेजर में करना है, मल्टीपल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। अब मैं आपको इसमें जो मैजिक है आपका सुविट टूल का, AI टूल का, वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अच्छा मुझे सुविध का लगा है दोस्तों AI टूल का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अगर आपकी कंपनी में सपोज करिए एक ही पार्टी को कम से कम 100, 200 या 300 जितने भी मल्टीपल पेमेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन जैसे मैंने दे दिया, मेरी कंपनी में सबसे ज़्यादा पेमेंट किसको होता है, एलकॉम। यहाँ पे जैसे ही मैंने एलकॉम की एंट्री ली दोस्तों सारी एंट्री एक साथ आ गई। अब इस एंट्री को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, ट्रांजेक्शन टाइप। ट्रांजेक्शन टाइप का मतलब क्या है कि मेरी एंट्री जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वो है पेमेंट की एंट्री, अगर आपको चेंज करना है तो ट्रांजेक्शन टाइप में चेंज कर सकते हो, बट ये मेरी पेमेंट की एंट्री। जैसे कि कभी कभी क्या होता है हम बैंक से ATM से विड्रॉ करते हैं कैश, वो भी स्टेटमेंट में एज ए पेमेंट ही दिखाता है, बट आपको उसको आपको कॉन्ट्रा विड्रॉ में लेना है या कॉन्ट्रा डिपॉजिट में लेना है वो आपकी मर्जी है, डिसाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी ये एलकॉम डिजिटल की कंपनी है, यहाँ पे लेजर मैंने सेलेक्ट किया एलकॉम डिजिटल, क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी एंट्री एलकॉम डिजिटल में हो गई। तो दोस्तों देखा आपने मजेदार, क्या है ये गजब का टूल, कि अभी तो ये सोचिए दोस्तों मेरे पास 10 एंट्री 8-10 एंट्री है, ये केवल 8 एंट्री है ये एक सेकंड, ऐसे ही आपको 100, 200, 400 आपका पेमेंट किसी पार्टी को जा रहा है, कुछ ही सेकंड में क्लिक करते ही ये सारा आपको यहाँ पे ये आपकी एंट्री सेलेक्ट हो गई। ऐसे ही दोस्तों इसको फिर हम डिस्क्रिप्शन को करेंगे, यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया कैश, अब मेरी कैश की एंट्री इतनी ज़्यादा हुई है, विड्रॉ यहाँ पे रिसीप्ट पेमेंट, अगर मुझे सारी एंट्री एक साथ मुझे आपको कैश में डालनी है तो मैंने यहाँ पे कैश ले लिया। आपको जो भी लेजर सेलेक्ट करना है, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे कैश आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई। अब जो भी एंट्री आपने सेलेक्ट की है उसको आप सेव कर सकते हो, सेव करते जाइए, यहाँ पे ये एंट्री सेव हो गई। अब मुझे बैक करके देखना है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अब मेरी एंट्री जो अगर मुझे देखना है एलकॉम एंट्री सेव हो गई, तो यहाँ पे देखिए एलकॉम की एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी मेरी यहाँ पे डिसाइड हो गई। इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, और आप यहाँ पे
आपको एक एक लेजर को भी सेलेक्ट आप कर सकते हो। जैसे ये एंट्री है, मुझे लगता है ये एंट्री यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस एंट्री को मुझे सपोज करिए यहाँ पे जाना है टैली सॉल्यूशन, तो मैंने लिख दिया टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, ये लेजर चला जाए तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्टेड हो गया। या तो आपको नरेशन कोई लगता है कि आपको पर्टिकुलर नरेशन में कोई चीज़ें आपको यूनिक लगती हैं तो उसको भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने इससे रिलेटेड कोई, अगर आपको जैसे ये नंबर से रिलेटेड कितनी एंट्री है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी एंट्री होंगी ये आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी दोस्तों यहाँ पे। और एक आपको AI टूल का जो सुविध का टूल है, इसमें और एक मज़ेदार चीज़ें हैं कि ये सजेशन में इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, कि फर्स्ट टाइम कोई स्टेटमेंट अगर आप लोड करते हो, जैसे आपने एक नरेशन बता दिया कि ये नरेशन का जो है नरेशन आएगा डिस्क्रिप्शन, ये मेरा टैली सॉल्यूशन के अंदर ये लेजर में ये पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री होगी, तो दोस्तों क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब स्टेटमेंट आप अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक ये AI टूल का कमाल जो है, ऑटोमेटिक आपको बार बार यहाँ लेजर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक उस लेजर को टैली सॉल्यूशन के अंदर वो एंटर कर देगा लेजर। ये बहुत ही खास AI टूल यही है दोस्तों, आज की जो टेक्नोलॉजी है कितनी तेजी से ग्रो कर रही है कि ऑटोमेटिक इसको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का डिस्क्रिप्शन अगर आया तो मैं इसको टैली सॉल्यूशन के लेजर में डाल दूंगा, तो है ना कमाल का दोस्तों ये AI टूल। तो जैसे कि एंट्री मैंने, अगर मुझे चेक करना है कि एंट्री कितनी एंट्री मैंने सेव कर ली दोस्तों, इसमें क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे ये इतनी एंट्री मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे मैं सेव कर, तो इतनी एंट्री मेरी जाके यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब मुझे इस एंट्री को टैली में लेना है, टैली से लेने से पहले मैं इस स्टेटमेंट को देखता हूँ कितनी एंट्री मैं सेव की, यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, अभी तक मेरा स्टेटमेंट टोटल 182 है जिसमें 169 पेंडिंग एंट्री है, 13 एंट्री मेरी सेव हो चुकी है। अब इस एंट्री को दोस्तों मुझे जो 13 एंट्री मैंने सेव की है मुझे उसको टैली के अंदर उसको सिंक करना है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया सेंड टू टैली, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू पुश एंट्री इन द टैली, यस ओके। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, टोटल आपकी 13 एंट्री है जो प्रोग्रेस में है सिंक टू टैली में, जैसे ये सिंक करेगा यहाँ पे सिंक टू टैली ये हो गया, कुछ ही सेकंड में दोस्तों आपकी टैली ये सिंक कर दिया टैली के अंदर। अब मैं यहाँ पे बैक टू ट्रांजेक्शन लिस्ट में जाता हूँ, अब आपको कोई और एंट्री सिंक करनी तो कर सकते हैं, अब मुझे ये 13 एंट्री चेक करना है जो मेरी एलकॉम की जून की एंट्री है, क्या मेरे डेटाबेस में सिंक हो गई है, तो चलिए हम चेक करते हैं DA यहाँ पे पेमेंट रजिस्टर में जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पेमेंट एंटर में जाता हूँ, जून में देखिए मैंने इतनी एंट्री मैंने एलकॉम को दे दी, यहाँ पे देखिए सारी एंट्री दोस्तों मेरे यहाँ पे टैली के अंदर ये सिंक होके आ गई, कैश की एंट्री मैंने की थी वो भी आ गई, यहाँ पे एलकॉम डिजिटल सॉल्यूशन ये भी आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये AI टूल आपका वर्क करता है, कई घंटों के काम को जो स्टेटमेंट आप करते हो मैनुअल एक एक एंट्री को वो कुछ ही सेकेंड्स में ये आपको सिंक करके आपको ये दे देगा। तो ऐसे ही दोस्तों एक एक चीज करके, अगर मैं दोबारा इस स्टेटमेंट में जाता हूँ कि ये 13 एंट्री को देखता हूँ कि अगर सिंक करने का तो ये सिंक नहीं होगा क्योंकि AI टूल ने ऑलरेडी सिंक कर दी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे अगेन देखता हूँ एलकॉम, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ही नहीं देगा कोई चेंजेस करने का या लेजर में, क्योंकि ये सारी एंट्री दोस्तों मेरी टैली के अंदर सिंक हो गई। अब मुझे एक एक करके दूसरी लेजर को सिंक करना, जैसे ही आप सारी एंट्री यहाँ पे सिंक कर दोगे तो पूरा ये स्टेटमेंट आपका हाइड कर देगा, ब्लॉक कर देगा कि दोबारा आपकी एंट्री नहीं जाएगी, है ना कमाल का दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ये AI टूल है जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट को कई घंटे के काम को कुछ मिनटों में कर देगा। चलिए हम अब सेकंड ऑप्शन पे देते हैं AI टूल क्या देता है, बैंक स्टेटमेंट आप इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों अपलोड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन में क्या है कि आप यहाँ पे सेल में जा सकते हो, सेल में एक्सेल है आपका डेटाबेस एक्सेल में है उसको आप अपलोड कर सकते हो, इमेज फॉर्मेट में उसको, इनवाइस फॉर्मेट में उसको आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक्सेल में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस पूरा बता रहा है कैसे कैसे करना है, अपलोड करना है, फिर मैप करना है डेटा को सेव ट्रांजेक्शन करना है, फिर सेंड टू टैली, सेम प्रोसेस जैसे बैंक स्टेटमेंट में आपने किया वैसे यहाँ पे, अगर आपके पास कोई फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट भी यहाँ पे दे रखा है डाउनलोड का सैंपल फॉर्मेट, टू टाइप्स के फॉर्मेट इसने दे दिया कि आप अकाउंटिंग वाइज यहाँ पे आइटम वाइज करते हो या अकाउंटिंग वाइज, दोनों फॉर्मेट को आप इसमें
AI टूल में यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये फॉर्मेट को डाउनलोड कर देना है। इस तरीके से आपका फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दे दिया है कि रेफरेंस नंबर कैसे देना है, डेट का फॉर्मेट क्या देना है, जीएसटी नंबर कैसे देना है, पार्टी का नाम डालना है, ये डालने के बाद क्वांटिटी क्या है डालने के बाद वहां पे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पे जाओगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है आपको, कंपनी नेम लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इनवाइस विदाउट आइटम या आइटम वाइज इनवाइस, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे एक्सेल शीट पे क्लिक करके आप अपलोड करोगे। अपलोड करने का कुछ चीज़ें नोट्स में दी है कि डेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डेटा में कोई आपका पिन नहीं होना चाहिए, सारी टर्म एंड कंडीशन के साथ आप अपलोड करिए और कुछ ही सेकेंड्स में आपका डेटा टैली के साथ अपलोड हो जाएगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स और आने वाली है इस AI टूल में या कमिंग सून में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये AI टूल आपके टैली को बेनिफिट करेगा। CA का काम जो दोस्तों कई घंटों का था, वो AI टूल कुछ मिनटों में उनके काम को स्मार्टली तरीके से आसान बना देगा। तो दोस्तों है ना गजब का टूल्स। तो दोस्तों ये अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को बाय करना है तो दोस्तों इसको बाय करना है तो सुमित की वेबसाइट पे जाएंगे आप, यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन दे दिया गया है कि कैसे कैसे बाय करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे रेट्स दिए गए हैं कि 5000 में आप 10 कंपनी अपलोड कर सकते हो, 10 कंपनी का डेटा, स्टेटमेंट, सेल रजिस्टर सब कुछ अपलोड कर सकते हो अनलिमिटेड दोस्तों। यहाँ पे 12000 अगर ईयर का आप पे कर रहे हो तो 100 कंपनी आप कर सकते हो, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट या कोई टैक्स कंसल्टेंट जिसके 100 से प्लस क्लाइंट हैं आप लोगों के लिए, तो ओनली 12000 में दोस्तों आप लोग AI टूल की मदद से सोचिए कितना काम आपका आसान कर दिया AI टूल ने, कि कुछ ही मिनटों में बैंक स्टेटमेंट, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, रिटर्न, बुक कीपिंग, आप स्कैन करके कोई बुक कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट, बिल का आप अपलोड कर सकते हो। अगर एंटरप्राइज आपका 500 आपका बहुत बिग CA हो, टैक्स कंसल्टेंट हो आप, 5+ आपके क्लाइंट हैं तो 25,000 साल के दोस्तों कुछ नहीं है आपके लिए खर्चे। आप इस रेट में आपको इतनी सुविधाएं ये AI टूल दे रहा है सुविध का, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको AI टूल सुविध का कैसा लगा दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और बाय करना है तो दिए हुए लिंक पे आप वेबसाइट पे जाइए और इस रेट में बाय करके आपको सपोर्ट करेगी। कॉन्टैक्ट नंबर, सपोर्ट नंबर सब कुछ इस वेबसाइट में दिया गया है, आप उसको 7 डेज का ट्रायल लेके आप देन उसको बाय कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को सुविध के बारे में नहीं पता, आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए और उनको बताइए कि इस तरीके से AI टूल जो आया है जो आपके काम को कैसे स्मार्टली तरीके से करेगा, कई घंटों के काम को कुछ मिनटों में ये कन्वर्ट कर देगा। थैंक फॉर वॉचिंग।